खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। पेपर लीक को लेकर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट आपको बता देते हैं। सीएम गहलोत ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, किसी भी परीक्षा के पेपर लीक ना हो इसके लिए राजस्थान सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। भाजपा को ये मानना होगा कि उनके शासित राज्यों में पेपर लीक के मामले सबसे ज्यादा हैं। पेपर लीक की घटना जिस तरह से इन दिनों सामने आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ किया है कि पेपर लीक पर सरकार का रवैया सख्त है। आपको याद होगा बजट में भी इसको लेकर के प्रावधान किए गए थे। गुजरात में एक बार फिर से पेपर लीक हो गया है। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो गई है। पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई परीक्षा। उत्तर प्रदेश में 12वीं परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर जो है वो लीक होने की वजह से 24 जिलों में इंग्लिश का एग्जाम रद्द कर दिया गया है। एक बार फिर हरियाणा में हुआ पेपर लीक। 10वीं बोर्ड परीक्षा का पर्चा आउट। दरअसल हरियाणा में डीजीटी की ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। क्या असम में 10वीं बोर्ड इम्तिहान का पेपर लीक हो गया है। उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है। एग्जाम पेपर लीक के मामले में ये राज्य राजस्थान के ताऊ साबित हो रहे हैं। और यहाँ सरकार किसकी है? बीजेपी की। किसी भी परीक्षा के पेपर लीक ना हो इसके लिए राजस्थान सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। विपक्ष को ये मानना होगा कि उनके शासित राज्यों में पेपर लीक के मामले सबसे ज्यादा हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार ने इस अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एसटीएफ का गठन कर दिया, मगर कोई इन दूध के धुलों से पूछे अपने अधिकार क्षेत्र में इन्होंने क्या किया।